दिल्ली में पुलिस और वकीलों में झड़प को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को लीक नोटिस भेजा है। वही हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया, साथ ही पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों से काम पर लौटने की अपील की है। ये अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने की, साथ ही उन्होंने पुलिस के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया। साथ ही कहा कि मारपीट के आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस और वकीलों की झड़प को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर पर एक अहम बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में अनिल बैजल से दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से मुलाकात हुई। वहीं दोनों के बीच दिल्ली में बने बुरे हालातों को लेकर चर्चा भी की गई। दिल्ली में आज रोहिणी कोर्ट के बाहर वकीलों ने हंगामा किया। इस दौरान कोर्ट के बाहर वकीलों ने आत्मदाह की कोशिश भी की। वकीलों ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। आत्मदाह की कोशिश करने वाले वकीलों का नाम आशीष चौधरी बताया जा रहा है। वहीं आशीष का कहना है कि उसने आत्मसम्मान के लिए आत्मदाह की कोशिश की। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस वकीलों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। वहीं सज्जन कुमार की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया और 4 हफ्ते के अंदर मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिव तलब किया है। इससे पहले भी प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट इन प्रदेशों की सरकार को फटकार लगातार लगा चुकी है और एनजीटी ने भी प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। वहीं एनजीटी की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश भी दिया गया है। पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार अब सख्ती हो चली है। वहीं सरकार ने पराली जलाने वाले 169 किसानों पर केस दर्ज किया है। साथ ही पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर बैन भी लगा दिया है। ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद की गई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के तहत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बैठक चली। मुलाकात के बाद संजय राउत ने बताया कि दोनों के बीच राज्य में राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुलाकात के बाद संजय राउत शरद पवार की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने पवार को देश और महाराष्ट्र का एक बड़ा नेता और मार्गदर्शक बताया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी मुलाकातों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जनता ने उन्हें जिस भूमिका के लिए चुना है वो उसे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस एनसीपी को विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है और वो इसे जरूर निभाएंगे। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि आज नहीं तो कल बीजेपी और शिवसेना साथ आएगी। वहीं बीजेपी के साथ 50-50 फॉर्मूलों को लेकर शिवसेना अपने बयान पर अड़ी हुई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसी तरह का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन को लागू करने को अधर्म करार दिया है। वहीं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हुई। इस दौरान दोनों से बीच एक घंटे से भी ज्यादा देर तक बातचीत हुई और दोनों ने महाराष्ट्र में सियासी संकट और सरकार बनाने को लेकर चर्चा की है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम बनाने को लेकर लोग पूजा करते हुए नजर आए। नागपुर में लोग हाथों में पोस्टर लेकर और पूजा अर्चना करते हुए और जमीन पर लौटते हुए भी कामना करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली में नितिन गडकरी के घर पर हुई। वहीं मुलाकात के बाद अहमद पटेल ने साफ कर दिया कि दोनों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही अहमद पटेल ने बताया कि किसानों के मुद्दे को लेकर दोनों ने बातचीत की। देशभर में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार इन देशों से प्याज का आयात बढ़ाएगी ताकि इसकी कीमतों में कमी आए। इस बीच देशभर में प्याज की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। ऐसे में देशभर में प्याज की कीमत और उपलब्धता को लेकर अंतर मंत्रालय समिति ने समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया।
सांस्कृतिक मंत्रालय ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी सोसाइटी का आज पुनर्गठन किया है। इस बार नेहरू मेमोरियल सोसाइटी से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्ण सिंह और जयराम रमेश को बाहर कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में खालिस्तानी रेफरेंडम 2020 का जिक्र किया गया है। वहीं इस वीडियो में कई खालिस्तानी समर्थक नेता भी नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में खालिस्तानी समर्थक विजरेवाला की तस्वीर भी सामने आई है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह से पहले पंजाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरों वाले पोस्टर देखने को मिले हैं। इन पोस्टरों में एक तरफ इमरान खान और वहीं दूसरी तरफ सिद्धू की तस्वीर लगी हुई है, जिसको लेकर पंजाब में सियासत फिर से गर्मा गया है। सिद्धू और इमरान की तस्वीरें वाले पोस्टर में दोनों को असली हीरो बताया गया है। पोस्टर्स के लगने के बाद बीजेपी ने सिद्धू को ISI एजेंट का भी करार दे दिया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर यूके की अदालत ने आज सुनवाई की जाएगी। उसने 30 अक्टूबर को अर्जी दाखिल की थी। नीरव ने कहा था कि वो बेचैनी और निराशा में है। इससे पहले 4 बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। नीरव 7 महीने से लंदन की वॉर्ड्सवर्थ जेल में है। भारत की अपील पर प्रत्यर्पण वारंटी जारी होने के बाद लंदन पुलिस ने 19 मार्च को उसे गिरफ्तार किया था। लखनऊ में BSP अध्यक्ष मायावती ने आज एक अहम बैठक की। इस मीटिंग में मायावती ने उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा की। वहीं मीटिंग के बाद मंडल और जोन व्यवस्था को भंग कर दिया गया। साथ ही प्रदेश समन्वयक की व्यवस्था को भी भंग कर दिया गया। साथ ही पार्टी को सेक्टर व्यवस्था में बांटकर 4 सेक्टर्स में भी बांटा गया। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद शुक्ल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। आनंद शुक्ल ने अपने बयान में प्रियंका गांधी को फ्रॉड की पत्नी कहा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि प्रियंका गांधी के दिमाग में धोखाधड़ी करने की बातें चलती रहती है। मेरठ के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण के लिए पड़ोसी देशों को जिम्मेवार ठहराया। बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल ने कहा कि प्रदूषण फैलाने में पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है। वहीं खेतों में जल रही पराली को लेकर अग्रवाल ने दावा किया है कि पराली जलने से वायु प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनौर के हिमपुर दीपा थाने में सांप के देखने से पुलिस में हड़कंप मच गई। वहीं सांप को पकड़ने आए सपेरे को सांप ने डस लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद सिपाही ने बीन बजाकर सांप को बाहर निकाला, जिसके बाद दूसरे सपेरे ने सांप को पकड़कर वहीं से हटा दिया। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आज पंचकुला की विदेश ईडी अदालत में सुनवाई की गई। इस सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों की रेगुलर बेल मंजूर कर ली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी और अगली सुनवाई में सुनवाई जारी रहेगी। बीजेपी नेता आज पंचकुला में बीजेपी के प्रदर्शन प्रवक्ता दिलबाग निगम के घर पर कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी कर ली है और मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है कि कार्यकर्ताओं और जनता की उम्मीदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। वहीं बताया गया है कि विधानसभा में हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार देने का बिल पारित किया गया है। हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना में आनंद मैरिज पैलेस के पास से गाड़ी चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। वहीं आरोपी गाड़ी को धक्के मारकर लेकर जाते हुए नजर आया। चोरी का आरोप कार के ही एक मिस्त्री पर लगाया गया है। वहीं चोरी की घटना की खबर मिलने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बिहार में सहरसा में JDU नेता विनोद चौरसिया की अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नोहट्टा मोड़ के पटौरी बाजार की घटना का है। वहीं हत्या के बाद अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना में एक शख्स बुरी तरह से घायल भी हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के कारोबार में पिछले सत्र के मुकाबले नरमी बनी हुई है। हालांकि इस महीने बेंचमार्क कच्चा तेल
ब्रैट क्रूड के भाव में अब तक $2 प्रति बैरल से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल के दाम में इससे पहले 5 दिनों तक गिरावट जारी रही थी, जबकि डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन स्थिरता बनी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार की तरह ही आज भी सुस्ती बरकरार है। शुरुआती मिनटों में सेंसेक्स 150 अंक तक लुढ़क कर 40,200 के नीचे कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी की बात करें तो करीब 40 अंक के नुकसान के साथ 11,900 के नीचे था। इससे पहले मंगलवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए थे। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस बड़े पैमाने पर छटनी कर रही है। इस छटनी की गाज उन कर्मचारियों पर गिरने वाली है जिनका वेतन बहुत ज्यादा है। इस छटनी के तहत जॉब लेवल 6 से करीब 2200 कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। इंफोसिस में ऊंचे पदों पर 971 अधिकारी हैं। इनमें असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जैसे शीर्ष अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस लेवल पर करीब 50 कर्मियों की विदाई हो सकती है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20 रुपए का सस्ता प्लान उतारा है। साथ ही वोडाफोन अपने फुल टॉक टाइम प्लान भी वापस ला सकता है। इसमें 20, 30 और 50 रुपए का प्लान मौजूद होगा। इस प्लान में ग्राहकों को फुल टॉक टाइम मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की रहेगी। इससे पहले कंपनी ने कनेक्शन को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम रिचार्ज वैल्यू को 35 रुपए रखा था।